Hello friends and welcome to my channel Learning and Speaking. Today we discuss what is future indefinite tense. Future indefinite tense kya hota hai? When sentence finished on ga, ge, gi, then we say that it is a sentence of future indefinite tense. जब कोई भी वाक्य गा, गे, गी पर समाप्त होता है तब वह future indefinite tense होता है. In this tense, the sentence in which the determination, order, desire are expressed, so will is used with IV and shall is used with you, he, she, it, they. जिन वाक्यों में आज्ञा, निश्चय अथवा प्रतीक्षा और इच्छा प्रकट हो वहाँ IV के साथ will और यू, ही, शी, इट, दे के साथ शैल का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यह पुस्तक खरीदूंगा. आई विल बाय दिस बुक. सेकेंड, तुम चोरी नहीं करोगे. यू शैल नॉट स्टील. इन दोनों वाक्यों में इच्छा प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ विल और शैल यू के साथ प्रयोग किया गया है. सेकेंड पॉइंट, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस इफ देयर इज अ सेंस ऑफ डिजायर देन वी यूज शैल विद आई वी एंड विल इज यूज्ड विद यू, ही, शी, इट, दे. इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि इच्छा का बोध होता है तो आई वी के साथ शैल और ही, यू, शी, इट, दे के साथ विल का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं यह किताब देखूं? Shall I see this book? क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगे? Will you lend me your book? इन दोनों वाक्यों में इच्छा व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ I के साथ shall और you के साथ will का प्रयोग किया गया है. नंबर थ्री, sometimes present tense is also used in place of will and shall. विल और शैल के स्थान पर कभी कभी प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग इस टेंस में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वह शाम को घर आएगा. ही इज कमिंग होम इन द इवनिंग. यह वाक्य फ्यूचर टेंस का वाक्य है, परंतु इसको प्रेजेंट टेंस से बनाया गया है. नंबर फोर, In many sentence of future indefinite tense is used twice in Hindi. In such sentence, shall or will is used only in the principal clause of the sentence, not in subordinate clause. कई वाक्यों में हिंदी में दो बार फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है. ऐसे वाक्यों में शैल या विल का को केवल वाक्य के मेन भाग में अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में ही प्रयोग करते हैं, सबॉर्डिनेट क्लॉज में नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे अवश्य मिलूंगा. When I come to Delhi, I will meet you. Second example, जब तक वह सच नहीं बोलेगा मैं उससे बात नहीं करूँगा. I shall not talk to him unless he speak the truth. इन दोनों ही वाक्यों में हमारे प्रिंसिपल क्लॉज में will और shall का प्रयोग किया गया है. Fifth point, in compounded sentence where both parts of a sentence are independent, there will or shall is used in both parts of a sentence. Compounded sentence में जहाँ वाक्य के दोनों भाग independent होते हैं, will अथवा shall को वाक्य के दोनों भाग में प्रयोग किया जाता है. For example, मैं वहाँ जाऊँगा परंतु जल्दी वापस आ जाऊँगा. I shall go there but I shall soon return. इस वाक्य में वाक्य के दो भाग हैं, इसलिए दोनों ही जगह I के साथ shall का प्रयोग किया गया है. अब आते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य और फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, जिनको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम वहां जाएंगे. वी शैल गो देयर. इस वाक्य में वी अर्थात हम सब्जेक्ट है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, गो अर्थात जाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल, वह आपसे मिलने आएगा. ही विल कम टू सी यू. इसमें ही अर्थात वह सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है. अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नहीं वाले वाक्य
ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, जिनको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे ऐसा काम नहीं करेंगे, दे विल नॉट डू सच अ वर्क। इस वाक्य में दे अर्थात वे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, करेंगे अर्थात डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो होम टूडे। इसमें मैं अर्थात आई हमारा सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, गो अर्थात जाऊंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, जिनको बनाने के लिए हम विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह कल मुंबई जाएगा, विल ही गो मुंबई टुमारो। इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, ही अर्थात वह सब्जेक्ट है, जाएगा अर्थात गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल, क्या वे कल आएंगे, विल दे कम टुमारो। इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, दे अर्थात वे सब्जेक्ट है, आएंगे अर्थात कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। इन लास्ट हमारे आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक प्लस नहीं वाले वाक्य और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, जिनको बनाने के लिए हम विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम यह पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, शैल वी नॉट रीड दिस बुक। इसमें शैल हेल्पिंग वर्ब है, हम अर्थात वी सब्जेक्ट है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, पढ़ेंगे अर्थात रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या तुम कल 15 साल के नहीं हो जाओगे, विल यू नॉट बी 15 टुमारो। इसमें कि विल हेल्पिंग वर्ब है, तुम अर्थात यू सब्जेक्ट है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, जाओगे अर्थात बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही, मेरे अगले वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।